ऑप्शन। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कुछ फाइनल पर्किसाइड्स जो है हमारे वो डिस्कस करेंगे एंड वंस दैट डिस्कशन इज ओवर देन वी विल स्टार्ट अवर फाइनल सम्स एंड आफ्टर दैट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ओके, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे ही हमारे खत्म होता है हमारा ये चैप्टर जो है ये फिनिश होगा, उसके बाद हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस शुरू करेंगे। ओके, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट एंड वी विल स्टार्ट our lectures. So before we begin practical problems for today, there are two provisions which we need to discuss first in relation to perquisites. Perquisites pe hamara discussion shuru hua hai aur लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने परकिसाइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन डिस्कस किया था। कुछ और परकिसाइट्स बाकी है जो हमें पहले डिस्कस कर लेने चाहिए, उसके बाद हम आज का प्रॉब्लम हमारा शुरू करेंगे। दो परकिसाइट्स जो हमको पहले डिस्कस करने हैं वो पहले लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद दोज एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। पहला जो पर्किसाइट है, इंपॉर्टेंट काफी पर्किसाइट है, वो है पर्किसाइट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। ओके, मेडिकल फैसिलिटीज और मेडिकल अलाउंसेस में डिफरेंस आपको समझना है। अगर आपको एग्जामिनेशन में या जो आपको प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम में आपको अगर वर्ड दिया जाता है मेडिकल अलाउंस का, ओके, देन इट इज अ अलाउंस। मेडिकल अलाउंस पूरी तरह टैक्सेबल होता है एज अ पर्सनल अलाउंस, लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटीज होती है दे आर टर्म्ड एज परक्यूसाइट्स, दे आर नॉट अलाउंसेस, दे आर टर्म्ड एज परक्यूसाइट्स। ओके, अब इसमें डिफरेंस क्या है? मेडिकल अलाउंस जो होगा बेटा वो आपको फिक्स मिलता है, हर महीने 5,000 रुपीज आपको मेडिकल अलाउंस मिला। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द फैक्ट कि आपको वो पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रहा है या नहीं हो रहा एक्चुअल में, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर सैलरी में मेडिकल अलाउंस मिलता है तो इट विल बी अ फिक्स्ड अमाउंट और उसको सीधा के सीधा हम टैक्सेबल में वी विल डायरेक्टली पुट इट इन द आउटर कॉलम ऑफ आवर टैक्स। बट वॉट इज द मीनिंग ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज? मेडिकल फैसिलिटीज मतलब क्या? ओके, तो मेडिकल फैसिलिटीज मींस जब आपके या आपके कोई फैमिली मेंबर के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आपका एम्प्लॉयर आपको पैसा देता है, ठीक है, आपके या आपके फैमिली मेंबर के किसी के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या आप या आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है उनके ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको आपके एम्प्लॉयर जो पैसा देते हैं, दैट फैसिलिटी इज टर्म्ड एज मेडिकल फैसिलिटी। ओके, मतलब मेडिकल फैसिलिटी जो है वो आपको एट द टाइम ऑफ योर नीड मिलती है। ओके, मेडिकल फैसिलिटीज कब मिलती है? वेन एवर यू नीड इट, जब जरूरत होती है तभी आपको वो पैसा मिलता है। लेकिन मेडिकल अलाउंस जो होता है वो हर महीने मिलता है आपको। ओके, इसलिए मेडिकल अलाउंस जो होगा वो पूरी तरह टैक्सेबल होगा, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज जो रहेगी उसमें एग्जेम्पशंस मिलते हैं। तो अब देखते हैं कौन से टाइप के एग्जेम्पशंस मिलते हैं। जस्ट लेट अस लुक एट द एग्जेम्पशंस फर्स्ट। अलग अलग सिचुएशंस दिए, अगर आप ये टेबल ध्यान से देखोगे, इफ यू टेक अ लुक एट दिस टेबल देन यू कैन सी दैट डिफरेंट सिचुएशंस आर गिवन हियर। ओके, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग परकिसाइट की वैल्यू बनती है, कितना आपको टैक्सेबल लेना है उसको। ओके, तो सबसे पहले तो पढ़िए कि ट्रीटमेंट कहाँ पे हो रहा है। तो ट्रीटमेंट अगर ऐसे किसी हॉस्पिटल में हो रहा है, ओके, अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल दिए और फिर बेस्ड ऑन दैट ट्रीटमेंट वैल्यू ऑफ परकिसाइट जो है वो डिटरमाइन की जाती है। तो सबसे पहले अगर इम्प्लॉई या इम्प्लॉई के किसी फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट किसी ऐसे हॉस्पिटल में हो रहा है जो मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय इम्प्लॉयर, ऐसा कोई हॉस्पिटल जो इम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है और उसको मेंटेनेंस भी इम्प्लॉयर कर रहा है, ऐसे किसी हॉस्पिटल में अगर इम्प्लॉयर का ट्रीटमेंट हो रहा है तो वैल्यू ऑफ परकिसाइट विल बी जीरो। ओके, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वैल्यू ऑफ परकिसाइट विल बी जीरो, कोई भी अमाउंट आप टैक्स पे नहीं लगाओगे। कौन से केस में? अगर आपका ट्रीटमेंट आपके इम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में हो रहा है तो, फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस लिमिटेड में काम करते हो
और आपके किसी फैमिली मेंबर का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो रिलायंस के किसी ओन्ड हॉस्पिटल में चल रहा है या टाटा के किसी हॉस्पिटल में चल रहा है, आप टाटा में काम करते हो और आपका एम्प्लॉय का जो फैमिली मेंबर है या एम्प्लॉय का जो खुद का मेडिकल ट्रीटमेंट है वो टाटा के किसी ओन्ड खुद के मेडिकल हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो ऐसे केस में कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। ओके, ऐसे केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जितना भी पैसा आपको मिलता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो पूरा के पूरा पैसा क्या होगा, इट विल बी एग्जेम्प्ट। ओके, इट विल बी एग्जेम्प्ट, उस पर कोई भी टाइप का टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड, देखिए, हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट कहाँ पे चल रहा है, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी लोकल अथॉरिटी ने कोई मेंटेन किया हुआ हॉस्पिटल होगा तो वहां पे अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। इवन इन दैट सिचुएशन ऑल्सो द टोटल वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड विल बी जीरो, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ओके, आउटर कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना आपको। अगर एम्प्लॉय का या एम्प्लॉय के किसी फैमिली मेंबर का जो ट्रीटमेंट है वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है या किसी लोकल हॉस्पिटल में हो रहा है, लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल में, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल में हो रहा है या सिविल हॉस्पिटल में अगर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तो अगेन कोई भी आपको टैक्स उस पर नहीं लगेगा, परक्यूसाइड का कोई वैल्यू नहीं आएगा। थर्ड, देखिए, अगर जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो किसी ऐसे हॉस्पिटल में चल रहा है जो कि चीफ मेडिकल कमिश्नर के अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स की लिस्ट में आता है। ओके, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं होते लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि गोदावरी जलगांव में जो है वो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल है। तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे भी अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपके को उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको परक्यूसाइड का कोई वैल्यू पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो फिर टैक्स कब पे करोगे आप? तो टैक्स में परक्यूसाइड का वैल्यू कब लगेगा, अगर ये ऊपर के हॉस्पिटल्स जितने भी हमने डिस्कस किए इनको छोड़ के अगर किसी प्राइवेट दूसरे क्लिनिक में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, ओके, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको परक्यूसाइड पे टैक्स लगेगा। वो भी टैक्स कब लगेगा, अगर मेडिकल बेनिफिट्स जो है वो 15,000 रुपए से ज्यादा है पूरे ईयर में तो। ओके, पूरे साल में अगर मेडिकल बेनिफिट्स जो आपने क्लेम किए हैं वो 15,000 रुपए से ज्यादा है तो वो ज्यादा की जो अमाउंट रहेगी उतने पे टैक्स लगेगा। सपोज एक एम्प्लॉय है, उसके लेट अस से फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट के लिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में लेट अस से 20,000 रुपीज का बिल लगा है। ओके, 20,000 रुपीज का बिल लगा है तो यहाँ पे टैक्स कितने पे लगेगा, ओनली 5,000 रुपीज पे। ओके, 15,000 रुपए तक का एग्जेम्पशन मिलेगा आपको। ओके, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप ट्रीट करते हो तो 15,000 रुपए तक का एग्जेम्पशन मिलेगा और टैक्स कितने में लगेगा, तो जो एक्स्ट्रा 5,000 है, 15,000 के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, 5,000। ओके, टोटल खर्चा आपका 20,000 हो रहा है, 15 तक एग्जेम, 5,000 विल बी टैक्सेबल। अगर 25,000 आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है तो कितना टैक्सेबल होगा और कितना एग्जेम्प्ट होगा बताओ मुझे। अगर 25,000 मिल रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो कितना टैक्सेबल होगा, 10,000। ओके, सो आई होप ये समझ में आया आपको सभी को, काफी सिंपल है परक्यूसाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। इसमें एक चीज बहुत ध्यान से आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो सम है आपको ये कौन से साल के लिए आता है। देखो बेटा, मैंने आपको पिछले दो सम्स में हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन पढ़ रहे हैं। ओके, हर सम में जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, 50,000 रुपया डायरेक्ट जो है वो लेस कर देते हैं ग्रॉस सैलरी में से। ओके, तो ये जो प्रोविजंस है ना ये 2018-19 से इंट्रोड्यूस हुई है। ओके, 2018-19 से ये प्रोविजंस जो है ये इंट्रोड्यूस हुई है और जब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की प्रोविजंस आई ना तभी ये जो मेडिकल फैसिलिटीज की प्रोविजंस थी इस पे भी एक मॉडिफिकेशन आया।
मॉडिफिकेशन कैसे आया कि ये जो ऊपर के तीन पॉइंट्स है ये तो अभी भी है, ऐसे कैसे है, मेडिकल फैसिलिटीज पे कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन ये जो चौथा पॉइंट है इसमें ये जो 15,000 रुपए तक का एग्जेम्पशन है ना, ये जो 15,000 रुपीज तक का एग्जेम्पशन है, इट इज ओनली अवेलेबल अप टू द ईयर 2018-19. ओके, इट इज ओनली अवेलेबल फॉर द ईयर 2018-19 के आगे ये 15,000 का जो अमाउंट है ये निकाल दिया गया है. अगर आप 2018-19 के आगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट करते हो तो कोई भी टाइप का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा नहीं, पूरा के पूरा आपको जो भी पैसा आपको एम्प्लॉयर के पास से मिल रहा है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. ओके, मेरा आवाज आ रहा है सभी को? एम आई ऑडिबल? यस सर. कोई प्रॉब्लम नहीं आवाज सर? यस हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ लोगों को मेरा आवाज नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं हो रहा ना कि मेरा आवाज नहीं आ रहा? ओके, अगर मेरा आवाज नहीं आ रहा तो आपका नेट थोड़ा सा चेक कीजिए, मेरे पास से बेटा कोई भी इश्यूज नहीं है आज. तो यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ये कौन से साल के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं. 90% आपको जो सम्स आएंगे वो 18-19 के आगे के आएंगे, ठीक है, पुराने सम्स तो आएंगे नहीं. तो आपको ये 15,000 तब कंसिडर नहीं करना है. ओके, ये 15,000 तब कंसिडर नहीं करना अगर आप 18-19 के आगे सॉल्व कर रहे हो. तो 18-19 के पहले का सम पूछा गया अगर आपको, तो 15,000 का एग्जेम्पशन जो है वो आपको क्लेम करना है, 15,000 तक का डिडक्शन मिलेगा. 18-19 के आगे 15,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा. ये डिडक्शंस और बहुत सारे दूसरे डिडक्शंस गवर्नमेंट ने 18-19 से बंद कर दिए. क्यों बंद कर दिए? क्योंकि गवर्नमेंट का कहना था कि भाई अभी हम सीधा 50,000 रुपीज का डिडक्शन ला रहे हैं आपके सैलरी में, ठीक है, सीधा साल का स्ट्रेट वे 15,000 रुपीज का 50,000 रुपीज का हम डिडक्शन ला रहे हैं. तो ये छोटे छोटे डिडक्शंस जो थे ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने बंद कर दिए और एक डायरेक्ट 50,000 रुपीज का सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन लेकर आए. ओके, तो इसके लिए 2018-19 से स्टैंडर्ड डिडक्शन आया और ये छोटे छोटे जो दूसरे डिडक्शंस थे वो बंद हो गए. ओके, तो आपको ये याद रखना है. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा जो आज का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम शुरू करेंगे. वैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटीज. ओके, अब ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अलग है और एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन अलग है. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे दे देता है कि भाई जो भी आपके चिल्ड्रन है उनके एजुकेशन के लिए आप पैसा रखिए, लेकिन चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटीज में एम्प्लॉयर आपको पैसा नहीं देता. एम्प्लॉयर क्या कहता है कि भाई आपके जो भी चिल्ड्रन हो गए या जो भी फैमिली मेंबर हो गए उनको आप जो स्कूल में आपको एडमिशन लेना है दीजिए, उनकी फीस जो है वो हम पे करेंगे. ओके, डायरेक्टली एम्प्लॉयर को कुछ नहीं मिलता, एम्प्लॉयर क्या करेगा कि फीस पे कर देगा एम्प्लॉय के चिल्ड्रन की. तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों की फीस पे कर रहा है तो वो एजुकेशन फैसिलिटी हुई, वो परकी साइट हुआ और वो यहां पे आएगा. लेकिन अगर एम्प्लॉयर डायरेक्टली पैसा दे रहा है एम्प्लॉय को कि ये लो फीस के पैसे, आपको जो करना है इसके साथ करो, तो ये हो गया अलाउंस. ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड परकी साइट? ओके, कौन सी चीज को आप अलाउंस कहोगे? जब आपको पैसा मिलता है एम्प्लॉयर के पास से तो हम उसको अलाउंस कहेंगे, लेकिन जब आपको पैसा छोड़ के आपको कोई बेनिफिट काइंड में मिलता है, जैसे यहाँ पे अभी आपको जो बेनिफिट मिल रहा है एजुकेशनल फैसिलिटीज आपका एम्प्लॉयर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को. ओके, तो ये क्या हुआ? ये परकी साइट हुआ. अब ये परकी साइट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं. एजुकेशन फैसिलिटीज, जैसे हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए एक चार्ट बनाया था, वैसे ही यहाँ पे भी हम एक चार्ट बनाएंगे. एजुकेशन फैसिलिटीज, ओके, फ्री या कंसेशनल में एजुकेशन फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है. यहाँ पे आपको दो चीज देखनी है कि जिस स्कूल या जिस कॉलेज में एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो किसका स्कूल या कॉलेज है. तो ऐसा हो सकता है कि भाई एम्प्लॉयर
आपका खुद का स्कूल या कॉलेज हो, ओके, और वहाँ पे एम्प्लॉयर के जितने भी एम्प्लॉयज उनके सभी बच्चों का एजुकेशन एम्प्लॉयर खुद के स्कूल या कॉलेज में करता हो, ओके, ऐसा हो सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। दोनों का एक एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल गो टू जमशेदपुर, पता है कहाँ पर आता है? डू यू नो वेयर इज जमशेदपुर? किसी को भी नहीं पता जमशेदपुर कहाँ पर आता है? ओके, ठीक है, जाने दो। जमशेदपुर किस चीज के लिए फेमस है? टाटा स्टील। टाटा स्टील का प्लांट है वहां पे, ओके। ये जो पूरा के पूरा सिटी है, इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर टाटा स्टील प्लांट वॉज पुट अप देयर। अब जमशेदपुर में जितने भी लोग काम करते हैं, मैक्सिमम पीपल वर्क इन टाटा स्टील। टाटा स्टील या टाटा से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्रीज है वहां पे, स्टील, आयरन एंड स्टील में काम करते हैं, तो जितने भी एम्प्लॉयज हो वो टाटा के एम्प्लॉयज हुए वहां पे। तो वहां पे है ना, आप जाइएगा जमशेदपुर में, तो वहां पे आपको बहुत सारी ऐसी डेडिकेटेड स्कूल्स दिखेंगी जहां पे सिर्फ टाटा स्टील के एम्प्लॉयज के बच्चे ही पढ़ाई करते हैं। ओनली दे स्टडी देयर। टाटा ने स्पेशली स्कूल्स और कॉलेजेस खड़े किए वहां पे, जहां पे सिर्फ टाटा स्टील में काम करने वाले एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनको एजुकेशन दिया जाता है। तो ऐसे केस में वो एजुकेशन फैसिलिटीज यहाँ पे आती है कि ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर की खुद की स्कूल है और एम्प्लॉयर के जितने भी एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं वो एम्प्लॉयज के घर के मेंबर्स और एम्प्लॉयज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनका एजुकेशन जो है वो एम्प्लॉयर की स्कूल में या एम्प्लॉयर के कॉलेज में किया जाता है। ये हो गया पहला पार्ट। कभी कभी ऐसा होगा कि एम्प्लॉयर का खुद का, कभी कभी मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा होगा कि एम्प्लॉयर का खुद का कोई स्कूल नहीं होगा। जैसे कि अभी आप जलगांव में आओ, जलगांव में रेमंड एक काफी बड़ी कंपनी है। आई होप सभी को पता होगी जलगांव में एक रेमंड कंपनी है। डू यू नो, कभी गए हो देखने के लिए? यस सर। तो अभी रेमंड का भी एक खुद का कॉलोनी है। पता है कि आपको रेमंड कॉलोनी कहाँ पर आता है? जलगांव में रेमंड का खुद का कॉलोनी है। वहां पे जितने भी ऑफिसर्स जो है रेमंड कंपनी के वो रहते हैं और उनके जो चिल्ड्रन है वो सब एक स्कूल में जाते हैं। रेमंड के जो बच्चे रहेगा वो सब एक ही स्कूल में जाते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वो लोग जाते हैं XYZ स्कूल में, ओके। तो सभी स्टूडेंट्स एक ही स्कूल में जाते हैं, लेकिन वो जो स्कूल होगा वो स्कूल रेमंड का खुद का थोड़ी है, ओके। लेकिन रेमंड में काम करने वाले एम्प्लॉयज के सभी चिल्ड्रन जो है वो एक ही स्कूल में जाते हैं। रेमंड की बस आती है, वो बस में बैठते हैं बच्चे और वो एक पर्टिकुलर स्कूल में वो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये सेकंड कैटेगरी हुई। मतलब द स्कूल इज नॉट मेंटेन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, स्टिल सभी जो चिल्ड्रन है वो एक पर्टिकुलर स्कूल में फैसिलिटीज लेते हैं। और इनकी फीस कौन पे करता है? इनकी फीस कौन पे करता है? तो एम्प्लॉयर पे करता है, ओके। एम्प्लॉय के बच्चों की फीस कौन पे करता है? एम्प्लॉयर या जो बॉस होगा कंपनी का वो पे करता है। तो ऐसे दो एरियाज आ सकते हैं आपको जब आप एजुकेशन फैसिलिटीज डिस्कस करते हो, तो आपको ये दोनों में से कहाँ पे आपका फिट हो रहा है वो देखना है कि एजुकेशन फैसिलिटी एक तो एम्प्लॉयर की मेंटेन्ड होगी या तो फिर एम्प्लॉयर की नहीं होगी, ओके। अब ये टेबल वही डिस्कस करता है। अब अगर एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयर की खुद की है, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, या खुद का कॉलेज है जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो फिर आपको दो चीज़ें देखना है कि एजुकेशन फैसिलिटी किससे प्रोवाइड की जा रही है। तो एक तो वो एम्प्लॉई के चिल्ड्रन को मिल रही होगी, या तो फिर एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स को मिल रही होगी। चिल्ड्रन मतलब जो आपका एम्प्लॉई है उसके जो बच्चे हो गए उसे एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही होगी, या तो फिर
जो इम्प्लॉय है उसके फैमिली मेंबर्स को वो एजुकेशन फैसिलिटी, मतलब इम्प्लॉय का कोई भाई होगा, कोई बहन होगी या कोई दूसरे फैमिली मेंबर्स होंगे, उनको वो फैसिलिटी मिल रही होगी। तो दो चीज़ें यहाँ पे फिर से देखनी है कि फैसिलिटी किसको मिल रही है। अच्छा, अगर इम्प्लॉय के चिल्ड्रन को फैसिलिटी मिलती है तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। ओके, इफ द इम्प्लॉय के चिल्ड्रन को वो फैसिलिटी मिलती है तो आपको फिर देखना है कि खर्चा कितना आ रहा है। वेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन और बेनिफिट पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड 1000 रुपीज पर मंथ, देन द कॉस्ट विल बी, द वैल्यू ऑफ द परकिसाइट विल बी नील। लेकिन इफ द कॉस्ट एक्सीड्स 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, देन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर द लोकेलिटी लेस रुपीज 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन पे आओ, यहाँ पे फिर से इसके दो पार्ट्स करो। ओके, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1000 रुपए से कम है, या ये साइन रहने दो, ये लेस देन रुपीज 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1000 रुपए से कम है, एक बच्चे के पीछे महीने का खर्चा आपका अगर 1000 रुपए से कम आ रहा है तो वैल्यू ऑफ परकिसाइट कितनी लोगे आप, वैल्यू ऑफ परकिसाइट लोगे आप जीरो। ओके, वैल्यू ऑफ परकिसाइट लोगे आप अ बिग जीरो, ठीक है। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो 1000 रुपए से ज्यादा आ रहा है, ओके, 1000 रुपए से ज्यादा आ रहा है पर मंथ पर चाइल्ड, तो फिर क्या करोगे, तो फिर जो एक्चुअल कॉस्ट आपका आ रहा है, एक्चुअल कॉस्ट जो आ रहा है माइनस 1000 रुपीज पर मंथ आप माइनस करोगे और जो अमाउंट बचता है दैट अमाउंट विल बी द वैल्यू ऑफ परकिसाइट। अब आप बोलोगे कि सर ये कॉस्ट कहाँ से आएगा, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कहाँ से आएगा, तो एक सीधा एग्जांपल है, सपोज एक स्कूल है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक स्कूल है लेट अस से कि रुस्तम जी इंटरनेशनल, ओके, रुस्तम जी इंटरनेशनल एक स्कूल है, वहाँ पे अगर आप कॉस्ट ऑफ एजुकेशन देखते हो तो सपोज इट इज फॉर ऑन कोई नॉर्मल पर्सन जाता है जिसका ऊपर वाले एम्प्लॉयर से कोई रिलेशन नहीं है तो उसको फीस लगती है पूरे साल की लेट अस से 12,000 या 10,000, 10,000 रुपया साल की फीस लगती है। 10,000 रुपया साल की फीस है, मतलब महीने की फीस कितनी हुई, ₹833 बराबर है या नहीं है, साल की 10,000 रुपया फीस है मतलब महीने की कितनी हुई, 833 रुपीज या 850 रुपीज के आसपास महीने की फीस हुई। ओके, ये किसकी फीस है, नॉर्मल वो स्कूल की फीस है, अगर कोई दूसरा पर्सन वहां पे पढ़ने जाता है तो उसको 850 रुपीज पर मंथ की फीस लगती है। नाउ अगर वो स्कूल में इम्प्लॉई के खुद के चिल्ड्रन पढ़ते हैं और 850 रुपीज वो स्कूल की नॉर्मल फीस है, इनको तो कुछ नहीं लगेगी क्योंकि एम्प्लॉय के बच्चे हैं, दूसरे लोगों को 850 रुपीज लगती है तो आपको कुछ भी वैल्यू लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो 1000 रुपए से कम है। दूसरे लोगों का कंपैरिजन करोगे, दूसरे लोगों का कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अगर 1000 रुपए से कम है तो आपको वैल्यू ऑफ परकिसाइट कुछ भी नहीं लगेगा, आपको जीरो लगेगा इफ योर चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन दैट स्कूल। अब थोड़ा सा इसको चेंज करो, अगर वो जो स्कूल है उसकी जो फीस है वो 10,000 नहीं है, लेट अस से 24,000 या थोड़ा सा अच्छा अमाउंट लेते हैं
20,000 लेते हैं, सालाना फीस जो है वो 20,000 रुपीज है, तो अब मंथली कितनी हुई फीस? 1,000 20,000 बेटा 1,600 हाँ ठीक है 1,600 पकड़ के 1,666 ठीक है, हम अज्यूम करते हैं राउंड फिगर के लिए 1,600 उस स्कूल की महीने की फीस है, ठीक है, मतलब बाकी जो बच्चे हैं दूसरे जो चिल्ड्रन हैं उनसे 1,600 रुपीज लेती है, इम्प्लॉय से कोई पैसे नहीं लेती, क्यों? क्योंकि इम्प्लॉय जो है इम्प्लॉयर की स्कूल है, अपने बॉस की स्कूल है, वहां पे इम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनसे कोई पैसा नहीं लगता, बाकी लोगों से कितना लगता है? 1,600 रुपए लगता है, तो यहाँ पे आपके हाथ में कितना बेनिफिट हो रहा है, कैसे कैलकुलेट करोगे आपके हाथ में कितना बेनिफिट हो रहा है? देखो पहले तो आप ये देखो कि 1,600 रुपए अगर महीने की फीस है तो आप कौन से वाले इसमें आते हो, यहाँ पे आते हो आप या यहाँ पे आते हो? अगर 1,600 रुपए कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है तो सेकंड कैटेगरी में, सेकंड वाली कैटेगरी में आते हो, तो अभी सेकंड कैटेगरी क्या कहती है कि अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1,000 रुपए से ज्यादा है तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस 1,000 रुपए, एक्चुअल कॉस्ट कितना है 1,600 रुपए माइनस 1,600 एग्जम्पशन है, तो 600 रुपया पर मंथ जो है ये वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट है आपके हाथ में, समझ में आ रहा है? 600 रुपया पर मंथ जो है वो वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट है आपके हाथ में, इज दिस क्लियर? समझ में अच्छा, ये पूरा के पूरा डिस्कशन जो हुआ अपना, ये पूरा के पूरा डिस्कशन जो हुआ ये अभी एक ही पॉइंट हुआ है, एजुकेशन फैसिलिटी इंप्लॉयर इंप्लॉय के चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एजुकेशन फैसिलिटी इंप्लॉयर इंप्लॉय के बाकी के फैमिली मेंबर्स के लिए, ओके, तो बाकी के फैमिली मेंबर्स के लिए क्या रूल है कि सीधा सीधा रूल है, एक बार पहले ही ऊपर पढ़ लेते हैं क्या रूल है, वेयर एजुकेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड, मतलब इंप्लॉय के किसी मेंबर को एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है, तो द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन और नियर द लोकेलिटी, द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर द लोकेलिटी, अब इसका क्या मतलब होता है, ठीक है चलो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पे हम लोग एम्प्लॉय के चिल्ड्रन की नहीं बात करते, एक मिस्टर एक्स है, ओके उसका या उसकी एक छोटी सिस्टर है who is doing MBA, who is doing MBA, okay, Mr. X works in, let us say, नहीं थोड़ा सा ऐसा कंपनी लेंगे जिनका खुद का कॉलेज भी हो, तो टाटा लिमिटेड में मिस्टर एक्स काम करते हैं और टाटा का एक खुद का मैनेजमेंट कॉलेज भी है जहां पे ये मिस्टर एक्स की जो सिस्टर है, लेट अस नेम हर मिस वाई, ओके मिस वाई जो है वो एमबीए की डिग्री यहां से कर रही है, ओके टाटा के खुद के जो मेडिकल कॉलेज अपना एमबीबीएस का एमबीए कॉलेज है वहां से, तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? मिस्टर एक्स को कोई पैसा नहीं पे करना, टाटा कंपनी में वो काम करते हैं तो उनका टाटा का मैनेजमेंट कहता है कि भाई हमारी कॉलेज में ही अगर आपके रिलेटिव्स पढ़ रहे हैं तो हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे, ठीक है फ्री में आपको एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है, तो यहाँ पे आप मिस वाई का जो एजुकेशन के ऊपर होने वाला खर्चा है उसका परक्यूसाइट आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे? तो एक्ट क्या कहता है कि भाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन
in similar institution in nearby locality. आजू बाजू में कोई दूसरे MBA के जो colleges हो गए वहां पे अगर मिस Y का एडमिशन होता था तो मिस्टर X को कितना खर्चा आता था, वो खर्चा आप परकिसाइड के तौर पे मान लीजिए. ओके, वो खर्चे को आप क्या कीजिए, परकिसाइड के तौर पे आप मान लीजिए. तो यहाँ पे क्या होगा कि हमको यहाँ पे देखना होगा कि भाई ये जो टाटा लिमिटेड है उसके आजू बाजू में कोई दूसरे कॉलेजेस है वहां पे MBA की कितनी फीस है. तो आप पता करते हो तो आपको पता चलता है कि टाटा के जो आपका सिटी में दूसरा भी एक मैनेजमेंट का कॉलेज है जहाँ पे MBA होता है और उनका सपोज फीस है लेटस से रुपीज 2 लाख रुपीज, साल का फीस उनका 2 लाख रुपया. तो ये जो 2 लाख रुपया आपका बच रहा है, ओके, आपको तो पैसा नहीं लग रहा, आप अगर उस दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते थे तो आपको 2 लाख रुपए का खर्चा लग जाता था. तो ये जो 2 लाख रुपया है ये आपका बेनिफिट ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी पकड़ा जाएगा. जब आपका टैक्स कैलकुलेट होगा तब ये 2 लाख रुपए आपको एजुकेशन बेनिफिट के तौर पे आपको कंसिडर करना है. ओके, परकिसाइट में बेटा क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन कुछ नहीं होता, आपको जस्ट रूल्स पता होने चाहिए कि वैल्यू क्या लोगे. ओके, आपको रूल्स पता होना चाहिए कि आप क्या वैल्यू लोगे, बाकी कोई कैलकुलेशन जैसा हम लोग अलाउंसेस में करते थे वैसे कोई कैलकुलेशंस यहाँ पे नहीं है. लास्ट पॉइंट है कि एजुकेशन फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर की है ही नहीं, खुद की एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है एम्प्लॉयर की, ठीक है, किसी दूसरे कॉलेजेस में एजुकेशन करने के लिए पैसा मिल रहा है, तो ऐसे केस में एक्चुअल एक्सपेंडिचर पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर. जैसे कि यहां पे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स की एक सिस्टर है मिस वाई, ठीक है, मिस्टर एक्स वर्क्स इन जैन इरिगेशन. ओके, जैन इरिगेशन में वो काम करते हैं. तो और मिस वाई इज डूइंग MBA फ्रॉम लेटस से IMR, ठीक है. अब जो IMR है वो जैन इरिगेशन की कॉलेज है क्या? नो. ओके, IMR इज नॉट अ कॉलेज फॉर जैन इरिगेशन. बट व्हाट डज एन एम्प्लॉयर से, यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या कहता है कि भाई जो भी खर्चा आएगा MBA करने का, आपके फैमिली मेंबर का जो भी खर्चा आएगा वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको. ओके, तो जैन इरिगेशन इज पेइंग फॉर द फीस ऑफ MBA ऑफ मिस वाई विच कम्स टू ₹75,000 का फीस आता है. तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, सीधा सीधा उपाय, कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करना, कितना बेनिफिट हो रहा है मिस्टर एक्स के हाथ में, क्या बेनिफिट हो रहा है आपको, पैसे का कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या अपने को? करेक्ट, 75,000 का बेनिफिट हो रहा है. तो ये 75,000 का बेनिफिट आपको सैलरी में ऐड कर देना है बस. ओके, ये 75,000 का जो बेनिफिट आपको हो रहा है वो आपको आपके सैलरी में ऐड कर देना है. इट्स वेरी सिंपल. ओके, तो अभी मीटिंग खत्म होने वाला है अपना, मैंने आपको अटेंडेंस दिया है, जल्दी से अटेंडेंस आपका रिकॉर्ड करो, फिर से मीटिंग को ज्वाइन करो और आज का जो प्रॉब्लम नंबर 12 है वो हम सॉल्व करेंगे. ओके, जल्दी से आपको जो अटेंडेंस दी है वो आप रिकॉर्ड कीजिए उसमें. वेल, श्री मंगेश पाटिल ऑफ भुसावल सबमिट्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर 2019-2020. ओके, बेसिक सैलरी है 17,000 पर मंथ, DA इज 50% ऑफ बेसिक सैलरी, कन्वेयंस अलाउंस कितना है, कन्वेयंस अलाउंस है तो इट 400 rupees पर मंथ, एम्प्लॉयर हैज पेड 150 पर मंथ एंड 100 पर मंथ टू वॉचमैन एंड गार्डनर. During the year, he has contributed to recognized provident fund 20,000 rupees. Equal amount has been contributed by employer. Employer has also provided him rent-free house. Furniture bhi diya hai 15,000 rupees ka. And he has recovered 5,000 from him for his facility. Ye facility provide karne ke liye 5,000 rupees jo hai, wo recover bhi kiya hai. Next point jo hai, wo hai, employer has paid 5,000 for his computer training. Employer provides education facilities for 4 children. Expenses are 800 rupees per month. Employer paid medical expenses 18,000 to private hospital. And finally, he has invested 25,000
80,000, 5,000 in LIP, yeah, life insurance policies, provident fund, and tuition fees. So compute his taxable income for assessment year 2020-21. Okay, taxable income हमें Mr. Mangesh की calculate करनी है. तो let us start. Format आप लोगों ने बनाया ही होगा. Basic salary है 17,000 rupees per month. तो I will write here basic salary brackets में 17,000 multiplied by 12, it comes to how much? 17,000 multiplied by 12, 2,04,000. Okay, it comes to 2,04,000. Okay, next. Dearness allowance, 50% of basic salary. So, dearness allowance, 50% of basic. 1,02,000. Okay. Yes, sir. 1,02,000. 2,04,000 का 50% कीजिए, 1,02,000 आएगा. Dearness allowance 1,02,000. Next, conveyance allowance 400 rupees per month. So conveyance allowance. अब मुझे बताओ conveyance allowance क्या आता है official? 4,800. 4,800. Okay, but is it an official allowance or a personal allowance? Official allowance. इट्स एन ऑफिशियल अलाउंस. ओके, ये जो है ना ये ऑफिशियल अलाउंस है. लेकिन अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो आप लोगों ने मुझे पूछना चाहिए कि सर कन्वेयंस अलाउंस अगर ऑफिशियल अलाउंस है और सम में तो फिर कितना हमने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया है ये तो दिया ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे यहाँ पे आप? पूरा का पूरा बाहर ओके तो पूरा का पूरा आउटर कॉलम मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा आउटर कॉलम में ऐड करेंगे सर. अच्छा, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर आप पूरा के पूरा आउटर कॉलम में ऐड करोगे तो मतलब आप अज्यूम कर रहे हो कि पूरा के पूरे पे टैक्स पे करोगे, मतलब आप 4,800 रुपए पे टैक्स टैक्सेबल वैल्यू में ऐड कर रहे हो, इसमें आपका क्या बेनिफिट है? ओके, बेनिफिट शुड ऑलवेज यूटिलाइज होगा सर. हाँ, बेनिफिट शुड ऑलवेज बी गिवन टू द एम्प्लॉय. ओके, आपको जब समय कर कुछ नहीं दिया जाता तो आप अज्यूम करो कि जो भी पैसा मिला है कन्वेंस अलाउंस का, जो भी पैसा मिला है वो हमने पूरा यूटिलाइज किया है. ओके, आप अगर किसी के इनकम, किसी का इनकम टैक्स का रिटर्न आप भरते हो, किसी के आप टैक्स मैनेजमेंट अगर करते हो, आगे जाके आप अगर आप में से कुछ लोग अगर टैक्स की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आप चाहोगे क्या कि आपका क्लाइंट ज्यादा पैसा पे करे अननेसेसरीली? ठीक है, दिस इज नथिंग अगेंस्ट द रूल, आप कोई टैक्स की चोरी नहीं कर रहे. कन्वेंस अलाउंस अगर आपको 400 रुपया मिला है तो आप उसको दिखाओ कि भाई पूरा के पूरा हमारा 400 रुपया जो है वो खर्चा हुआ है. ओके, अननेसेसरी क्यों दिखाते हो अमाउंट ऐसा? अगर यहाँ पे सब में आपको पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया तो यू विल अज्यूम दैट एंटायर अमाउंट इज यूज फॉर कन्वेयंस. यहाँ पे आपका जो वर्किंग नोट वगैरह होगा ना उसके नीचे एक ऐसा एक नोट डाल देना एग्जाम में, नोट सिंस नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कन्वेयंस अलाउंस इज गिवन इट इज अज्यूम्ड दैट एंटायर अमाउंट इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस. समझ में आ रहा है? सिंस No information regarding conveyance allowance is given. आप क्या पे क्या assume कर रहे हो कि entire amount is used for official purpose. Okay, entire amount आपका official purpose के लिए use हो रहा है. तो अभी ये जो हमने assumption किया इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे लिखोगे 4,800 inner column में less used for official purposes. 4,800 आउटर कॉलम में जीरो. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Always, yes, sir. हाँ, जो भी ऑफिशियल अलाउंसेस हो गए ना हमेशा ट्राई करना कि उसका पूरा बेनिफिट आपके क्लाइंट को जो है वो मिलना चाहिए. ओके, सो दिस इज डन.
नेक्स्ट देखते हो क्या आता है नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट है एम्प्लॉयर ने 150 पर मंथ और 100 पर मंथ लगा के आपके घर के लिए एक वॉचमैन और गार्डनर दिया है आपको. 150 पर मंथ की सैलरी पे और 100 रुपीज पर मंथ की सैलरी पे वॉचमैन और गार्डनर है. ओके ये पर की साइड है. ओके आपको सैलरी के पैसे नहीं दिए, एम्प्लॉयर ने जो है वो वॉचमैन और गार्डनर आपके घर के लिए रखा है और उसको पगार देने का काम कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है. कितना पेमेंट हो रहा है, 150 और 100 मतलब दोनों को मिला के कितना पेमेंट हो रहा है, 250 रुपए महीने का पेमेंट जो है वो एम्प्लॉयर कर रहा है. ओके कितना बेनिफिट हो रहा है आपको, महीने का 250 रुपए बेनिफिट हो रहा है. आपको थोड़ी पे करना पड़ रहा है पैसा, आपकी तरफ से पैसा कौन पे कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है. 250 मल्टीप्लाइड बाय 12 करो कितना आता है, 3000. ओके ये 3000 रुपए का जो बेनिफिट है ये आपको टैक्सेबल लिख देना है. ओके ये 3000 रुपए का बेनिफिट है. ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर ये तो पहले हुआ, हमारा हुआ ही नहीं. ये सब क्या है, ये पर की साइड्स है. ओके दिस आर ऑल बेनिफिट्स इन एडिशन टू सैलरी. इन एडिशन टू सैलरी जो भी आपको बेनिफिट होता है वो आपको टैक्स पे लगाना है. ओके पर की साइड इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉचमैन एंड गार्डनर. ओके कितना, तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आता है वो, 3000 रुपीज. ओके 3000 रुपीज. नेक्स्ट ड्यूरिंग द ईयर ही कंट्रीब्यूटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रुपीज 20,000 एंड इक्वल अमाउंट वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर. अब मिस्टर मंगेश ने जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया उससे हमको कोई लेना देना नहीं है. कल हमने पढ़ा बताया मिस्टर मंगेश अपने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कितना भी पैसा जमा कर सकता है, लेकिन जो इम्प्लॉयर है मिस्टर मंगेश का जो इम्प्लॉयर है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में बेसिक सैलरी का कितना परसेंट पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, 12%. ओके 12% से ज्यादा अगर वो इन्वेस्ट करता है तो क्या होता है, वो टैक्सेबल होता है. कल हम लोगों ने टैक्सेबल होता है. हाँ कल हमने ये डिस्कस किया था. ओके तो अभी यहाँ पे 20,000 रुपया मिस्टर मंगेश भी जमा कर रहे हैं और 20,000 रुपया उनके जो एम्प्लॉयर है वो भी जमा कर रहे हैं. तो हमें सिर्फ यहाँ पे पहले ये देखना है कि ये जो 20,000 रुपये जमा हो रहे हैं ये सैलरी के 20% से ज्यादा तो नहीं है. ये देख लो एक बार. तो बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है, देखो 204,000 रुपए मिल रही है. कितना मिल रहा है बेसिक सैलरी, 204,000 रुपए बेसिक सैलरी मिल रहा है. इसका 20% कितना होता है, 40,800. ओके 40,800 ठीक है. हमको कितना, हम कितना पैसा भर रहे हैं या एम्प्लॉयर कितना पैसा वह कर रहा है, 20,000 लिमिट के अंदर है. यस सर. तो कुछ भी करोगे क्या इसको, नो सर. नो सर. नो सर. ठीक है समझ में आ रहा है. यस सर. अगर ये लिमिट के ऊपर जाता था, 40,800 की लिमिट के ऊपर अगर कंट्रीब्यूशन जाता था, लेट अस से कि अगर 50,000 रुपए एम्प्लॉयर ने जमा किए होते थे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है 40,800 माइनस 50,000 जो एक्स्ट्रा 9,200 रुपए है उस पे आपको टैक्स लगता था. करेक्ट वो आपको आउटर कॉलम में लिखना पड़ता था. समझ में आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं. एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड ओन रेंट फ्री हाउस, खुद का रेंट फ्री हाउस एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है. फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000 वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल यूज, एम्प्लॉयर रिकवर्ड 5,000 फ्रॉम हिम फॉर हिज फैसिलिटी. अब सबसे पहले यहाँ पे देखो कि घर किसका है, घर किसका है बताओ मुझे जल्दी से, घर किसका है उसके पहले भी ये देखो. एम्प्लॉयर का है सर. ओके एम्प्लॉयर. ओके मिस्टर मंगेश जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का है और एम्प्लॉयर का खुद का घर है. ओके तो कल का हमारा जो डायग्राम है उसके ओर जाते हैं थोड़ा सा.
ये रहा देखो ये, इसको थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। ओके तो कहाँ पे बैठ रहे हो आप? इम्प्लॉय जो है वो नॉन गवर्नमेंट है और घर किसका है? इम्प्लॉयर का खुद का है, मतलब यहाँ पे आ गए आप। ओके मतलब अभी आप सिटी के पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड करोगे कि कितना वैल्यू रहेगा घर का। ओके सिटी के पॉपुलेशन के हिसाब से घर के वैल्यू पे आप डिसाइड करोगे। समझ में आ रहा है? अब यस सर, यहाँ पे आप मुझे बोलो कि मंगेश कहाँ पे रह रहे हैं? वेर इज ही सेइंग? भुसावल में। तो भुसावल का पॉपुलेशन कितना होगा? 25 लाख से ज्यादा तो नहीं होगा, 10 से 25 भी नहीं होगा। ऑब्वियसली इट विल बी इन द थर्ड कैटेगरी, भुसावल इज अ स्मॉल सिटी। 7.5% सैलरी। ओके तो आपको क्या लेना है? 7.5% ऑफ सैलरी लेना है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस मिस्टर हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड मिस्टर मंगेश स्टेज इन भुसावल, वैल्यू ऑफ हाउस विल बी 7.5% ऑफ सैलरी। अच्छा अभी 7.5% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, वर्किंग नोट, विल बी, सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस अलाउंसेस, बेसिक डीए बोनस कमीशन और सभी अलाउंसेस। तो अभी ऊपर देखिए अलाउंसेस तो है, एक ही अलाउंसेस है यहाँ पे। ओके ओके एक ही अलाउंस है यहाँ पे। अब देखो पहले मुझे कैलकुलेट करने दो पूरा कितना आता है। बेसिक कितना है? 2,04,000। डियरनेस अलाउंस कितना है? 1,02,000। और कन्वेयंस अलाउंस तो जीरो है, कन्वेयंस अलाउंस जीरो है, पर के साइड हम लेते नहीं। ओके पर के साइड जो है हम लेते नहीं। कितना बचा? 3,06,000। 3,06,000। तो ये हम लोग लिख देंगे। ओके 3,06,000 का 7.5% ऑफ सैलरी, मतलब 22,950 जो है वो सैलरी का वैल्यू है। ओके 22,950। नेक्स्ट सम खत्म हो गया क्या? नहीं, आपको फर्नीचर भी मिला है। फर्नीचर कितना मिला है? 15,000 का फर्नीचर मिला है। तो इसकी वैल्यू ऐड करो यहाँ पे, ऐड वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो कि आता है 10% ऑफ कॉस्ट। 15,000 का 10% मतलब 1,500 रुपये वैल्यू ऑफ फर्नीचर रहेगा। 1,500 कैसे आया? 15,000 का फर्नीचर है, 10% लेना है उसका। 15,000 का 10% कितना आता है? 1,500। ठीक है, दोनों का टोटल ले लो कितना आता है। कितना आ रहा है टोटल? 24,450 वैल्यू ऑफ हाउस, 24,450। अगेन दिस इज नॉट अ वैल्यू, इसमें से हमने लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर मंगेश, फ्री में थोड़ी दिया है, मिस्टर मंगेश के पास से कुछ पैसा हमने वसूल किया है। कितना पैसा वसूल किया है देखो? 5,000 रुपीज वसूल किया है। यू हैव रिकवर्ड 5,000, तो ये 5,000 लिख दो यहाँ पे। ये 5,000 लेस करोगे ना, तो ऐड कर दोगे इसको आप,
लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर मंगेश, बेटर ऑप्शन क्या रहता है कि जो माइनस वाली अमाउंट होगी ना वो हमेशा ब्रैकेट्स में लिखो, तो आपको इजी रहता है वो देखने के लिए। अच्छा 24,450 ओके ये आ गया फाइनल वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन कितना आया 19,450। किसी को कोई डाउट्स यहां तक? अब ये 19,450 कहां पे लिखेंगे हम? यहां पे 19,450 वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन वर्किंग नोट नंबर वन, ओके वर्किंग नोट नंबर वन। नेक्स्ट एम्प्लॉयर पेड 5,000 फॉर हिज कंप्यूटर ट्रेनिंग, कंप्यूटर सिखाने के लिए मिस्टर मंगेश को 5,000 रुपए का खर्चा हुआ, तो क्या है ये बेनिफिट है? ओके आपको फीस पे करनी पड़ेगी कंप्यूटर की? नहीं, आपके एम्प्लॉयर ने 5,000 रुपए भर के आपको कंप्यूटर सिखाया, तो ये जो 5,000 है ये आपके हाथ पे होने वाला बेनिफिट है, सीधा ऐड कर लो। परक्विसाइट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग, परक्विसाइट है, कोई आपको कैलकुलेशन करना नहीं है, कुछ ऐड करना नहीं है, परक्विसाइट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग 5,000। नेक्स्ट एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एजुकेशन फैसिलिटी टू हिज 4 चिल्ड्रन, एक्सपेंसेस पर चाइल्ड आर 800 रुपीज पर मंथ, 800 रुपए का खर्चा हो रहा है, एम्प्लॉयर एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है, एजुकेशन फैसिलिटी पे आओ। एजुकेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, तो अगर 1,000 रुपए से कम होगा खर्चा, 1,000 रुपए से कम होगा तो देर विल बी नो टैक्सेबिलिटी। ओके देखो हमने पढ़ा ना यहाँ पे, अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1,000 रुपए से कम है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अगर 1,000 रुपए से कम है तो कितना आता है वैल्यू? जीरो आता है। ओके वैल्यू जीरो आता है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखो, सब में क्या दिया है, 4 चिल्ड्रन है एम्प्लॉय के, एजुकेशन अलाउंस में हम लोग कंसिडर करते थे 2 ही बच्चे, ओनली मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन इज डिडक्शन इज अलाउड ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन, लेकिन जब हम एजुकेशन फैसिलिटीज डिस्कस करते हैं यहां पे देखो वर्डिंग एक ध्यान से क्या दिया है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके मतलब यहाँ पे आप ऐसा नहीं करोगे कि सर 4 बच्चे थे तो 2 ही बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी मिलेगी और बाकी के 2 को नहीं मिलेगी, ऐसा यहाँ पे नहीं है। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हो गए एम्प्लॉई के सभी को एजुकेशन फैसिलिटीज जो है वो मिलेगी, सभी को डिडक्शन क्लेम करते आएगा। मतलब यहाँ पे जैसे सम में आपको दिया है कि ही इज हैविंग 4 चिल्ड्रन, ओके और हर एक के पीछे 800 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो सभी को जो डिडक्शन है वो क्लेम करते आएगा, मतलब कोई भी अमाउंट आपको टैक्सेबल नहीं रहेगी, सिर्फ लिख देंगे हम लोग यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज चिल्ड्रन, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज चिल्ड्रन, ब्रैकेट में हम लिखेंगे फुल्ली नहीं, एग्जेम्प्ट एज कॉस्ट डज नॉट कॉस्ट इज नॉट मोर देन रुपीज 1,000 पर मंथ, एग्जेम्प्ट एज कॉस्ट इज नॉट मोर देन रुपीज 1,000 पर मंथ। ओके सो यहाँ पे अमाउंट रहेगा जीरो, ओके अमाउंट रहेगा जीरो। एम्प्लॉयर पेड मेडिकल एक्सपेंसेस 18,000 टू प्राइवेट हॉस्पिटल, अब
18-19 के पहले अगर आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर होता था तो कितना डिडक्शन मिलता था बेटा हमको? 18-19 के पहले अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर होता था 15,000। लेकिन अभी कौन सा साल चल रहा है? 1920 चल रहा है। ओके, तो ये 18,000 का डिडक्शन मिलेगा क्या प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब क्या करेंगे? नहीं, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल फुल्ली टैक्सेबल। ओके, फुल्ली टैक्सेबल 18,000। नेक्स्ट, ही इन्वेस्टेड 25,000, 80,000, 5,000। ये अभी मैं आपको बताता हूं कैसे का था। अभी तक हमने डिडक्शंस पढ़े नहीं है, इसके लिए ये सिर्फ अभी हम लोग लिख देंगे। जब डिडक्शंस पढ़ेंगे उसके बाद ये आपको क्लियर होगा। फिलहाल अभी इसका टोटल ले लो, मुझे आप बताओ ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितना आ रहा है? इसका टोटल लेके बताओ मुझे। देखते हैं, थ्री लाख फिफ्टी वन थाउजेंड फोर फिफ्टी आपका टोटल आना चाहिए। ठीक है, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। ओके, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। पहला डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 फिक्स है। ओके, प्रोफेशन टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है क्या? प्रोफेशन टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है क्या हमको? नहीं मिला। नो सर। तो कुछ भी दूसरे कोई डिडक्शन नहीं आएंगे, तो लेस कर दो। कितना बचता है अमाउंट बताओ? 3,03,1,450 ये है नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। अब जो लास्ट का पार्ट है वो मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आपको जस्ट अभी कॉपी कर लेना है। जब हम ये पढ़ेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80, उसके बाद ये आपको क्लियर होगा। सिर्फ लेस अभी सिर्फ कॉपी कर लेना है उसको, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। 80C में आपको मैक्सिमम 1,50,000 तक का डिडक्शन क्लेम करते आता है, 1,50,000 से ज्यादा का डिडक्शन क्लेम नहीं करते आता। यहाँ पे आपने तीन जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है, LIC में 25,000, 80,000 रुपया ट्यूशन फीस पे करी है, सॉरी PPF है, और 5,000 रुपया ट्यूशन फीस पे करी है। तो LIP, फिर PPF और ट्यूशन फीस, LIP 25,000, PPF 80,000 और ट्यूशन फी 5,000। जस्ट टोटल ले लेना इसका 1,10,000। ये भी डिडक्शन है, ठीक है? ये भी क्या है? ये डिडक्शन है, लेस का अमाउंट है। ओके, तो ये भी आपको लेस कर देना है सैलरी में से, इतना आपका सैलरी कम हो जाता है। $1,91,450 जो रहेगा वो फाइनल इनकम फ्रॉम
फ्रॉम सैलरी नहीं कहेंगे, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मंगेश, ओके 1,91,450 विल बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मंगेश, ओके समझ में आ रहा है?